नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपके स्वागत है। अगर आप एक पीएफ मेंबर हो तो इस वाले वीडियो को आप पूरे देखते हैं तभी जाके आपको पता चलेगा, नहीं तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। डेट ऑफ एग्जिट के लेके मैंने इस वाले वीडियो में आप लोगों को ए टू जेड बताने वाला हूँ। डेट ऑफ एग्जिट आप जब भी करने जाते हो ये वाले एरर यहाँ पे आ जाता है। डेट ऑफ एग्जिट जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप फुल एंड फाइनल पैसे नहीं निकाल सकते हो, ना आप ट्रांसफर कर सकते हो, पुराने अकाउंट से न्यू अकाउंट में आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, ना अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। फुल एंड फाइनल लेने के लिए आपको डेट ऑफ एग्जिट करना होता है। डेट ऑफ एग्जिट तब भी कर सकते हो 2 महीना बाद, जिस कंपनी में आप काम करते थे 2 महीना बाद जाके आपको डेट ऑफ एग्जिट करने का ऑप्शन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे कमेंट आता है, हमारे 2 महीना हो गया तब भी हमारे डेट ऑफ एग्जिट नहीं ले रहा है, किसी का 6 महीना, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, ऐसे भी है, बहुत सारे कमेंट आता है। उससे पहले मैंने आप लोगों को बता देता हूँ, जब भी आप काम छोड़ते हो किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो उसी कंपनी में, आपको ध्यान रखना है काम छोड़ने का टाइम में रिजाइन लेटर आप जरूर दें। रिजाइन लेटर जब तक आप नहीं दोगे आपके जो कंट्रीब्यूशन है वो होते रहेगा। मैंने आप लोगों को ए टू जेड पहले अकाउंट ओपन करके दिखा देता हूँ तभी जाके आपको पता चलेगा, नहीं तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसके बाद मैंने जाके बात करता हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्या करना है, अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउजर में जाना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है EPF। उसके बाद क्या करना है, आपको सर्च बार में क्लिक कर देना है, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जा सकते हो। उसके बाद क्या करना है, इस वाले पेज को हटाना है, साइड में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर, ठीक है, आप इस पर जा सकते हो, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपके पास ऐसे एरर आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखाई दे रहा है, 3 डॉट पे जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है, ईपीएफ के जो साइट है ओपन हो जाएगा, एरर आने का बावजूद भी ओपन हो जाएगा साइट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने यूएन नंबर यहाँ पे डालना है, उसके बाद पासवर्ड डालना है, उसके बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस पर डाल के आपको साइन इन में क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको साइन इन दिखाई दे रहा है, मैं पहले अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेटर में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे व्यू पे जाना है, पहले आपको सर्विस हिस्ट्री देख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो डेट ऑफ एग्जिट नहीं हो रखा है, ठीक है, ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है, नॉट अवेलेबल अभी भी दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया पुराने कंपनी, ये अभी न्यू कंपनी, ठीक है। डेट ऑफ एग्जिट करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे मैनेज पे जाना है। मैनेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मार्क एग्जिट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे सिलेक्ट इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके जो मेंबर आईडी है, जितना भी मेंबर आईडी है आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इस पर एक ही है तो इस पर एक ही दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे एरर आपके पास भी आ सकता है, डेट ऑफ एग्जिट कैन ओनली बी अपडेट आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन मोड बाय द एम्प्लॉयर। आपके पास भी ऐसे सेम आ सकता है, ठीक है, अगर आपने 2 महीना से ऊपर आपने काम छोड़ दिया, 6 महीना, 1 साल आपके हो गया, 2 साल हो गया, बहुत सारे ऐसे कमेंट आता है, हमारे 2 साल हो गया तब भी हमारे पास ऐसे एरर दिखाई दे रहा है 2 मंथ्स, क्योंकि हमने काम तो बहुत दिन पहले छोड़ दिया तब भी हमारे क्यों दिखाई दे रहा है, अभी कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इससे पहले मैंने आप लोगों को पहले यहाँ पे स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, आप लोगों को भी ऐसे सेम चेक करना है, अगर आपके पास ऐसे सेम एरर आ रहा है, ठीक है, आपको पहले क्या करना है, अपने यूएन नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपने पासवर्ड डालना है, उसके बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस पर डाल के आपको अपने अकाउंट लॉगिन कर लेना है। मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ। आप ओपन होने के बाद अपने मेंबर आईडी यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे व्यू पासबुक में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे की तरफ आना है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है अप्रैल में खत्म हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो कंट्रीब्यूशन होते रहा, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 0-0। अगर आपके पास कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है तो क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ऐसे खाली दिखाई देगा, 0 भी नहीं दिखाई देगा। अगर आपके पासबुक में ऐसे 0-0 अपडेट हो रहा है इसका मतलब आपके कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, चाहे 0 बैलेंस हो लेकिन अपडेट हो रहा है, मेंटेन कर रहे हैं आपके कंपनी वाले। आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट ओपन करके दिखा दिया, आपके जो कंट्रीब्यूशन है वो 0-0 हो रहा है, चाहे आपने 2 महीना काम छोड़ दिया, चाहे 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना या 1 साल, 2 साल,
कितना दिन भी आपके हो गया तब भी आप डेट ऑफ एग्जिट नहीं कर सकते हो। डेट ऑफ एग्जिट जब तक नहीं करोगे तब तक फुल एंड फाइनल नहीं निकाल सकते हो, चाहे ट्रांसफर वाले हो चाहे फुल एंड फाइनल वाले हो, कुछ भी आप नहीं कर सकते। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है डेट ऑफ एग्जिट करने के लिए, आपको क्या करना है, आपके कंपनी से जाके आपको बात करने पड़ेगा। रिजाइन लेटर आपको देना ही है, आपके जो कंपनी है कंपनी में जाके आपको रिजाइन लेटर देना है। रिजाइन लेटर देने के बाद यहाँ पे जो 00 शो कर रहा है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे 0 भी नहीं दिखाई देगा। जब तक आपके 00 कॉन्ट्रीब्यूशन होते रहेगा आप डेट ऑफ एग्जिट नहीं कर सकते, और डेट ऑफ एग्जिट आप जब तक नहीं करोगे तब तक आप पीएफ का पैसे नहीं निकाल सकते। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आपके जो काम यहाँ पे बचता है सीधा सा काम है, आपको कंपनी में जाके बात करने पड़ेगा, चाहे फोन पे बात कर लीजिए चाहे आप रिजाइन लेटर जाके दीजिए। आपके जो कंपनी है कंपनी में जाके आपको बात करने पड़ेगा, नहीं तो रिजाइन लेटर आपको देना ही है। बहुत सारे ऐसे कंपनी है अगर आप रिजाइन लेटर नहीं देते हो तब भी यहाँ पे रिजाइन डेट अपने आप डाल देता है, नहीं तो ये जो आपके कंट्रीब्यूशन है वो बंद कर देते हैं। ये बंद करने के बाद आप डेट ऑफ एग्जिट बिल्कुल कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। दोस्तों ये था छोटा जानकारी, जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपके भाई नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।